हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं टेक्निकल बोलता हूँ। मैं सबका टेकी एक्स में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या पांच ऐसी थिंग्स जिससे आप आपके फ़ोन की धचियाँ कर बैंड बजा देते हैं, उसको हम कहूँ तो। मैं तो आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट मैं सबसे पहले आपकी फर्स्ट बजा रहा हूँ। ये देखिए, फर्स्ट आपका सबसे चहेता प्ले स्टोर। तो आपको कैसे कोई भी कर देते होंगे, आप फ़ोन में आपके ज़रूर होगा क्लीन मास्टर। क्लीन मास्टर तो इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा लोगों को फ़ोन का। देखिए ये देखिए दोस्तों, आप इसको इंस्टॉल तो जरूर करते होंगे दोस्तों ये, पर आपके जो से सीपीयू के नेसेसरी फाइल्स हैं उसको डिलीट कर देगा, तो आपके क्या फ़ायदा। ये जंक फाइल, वही जंक फाइल होती है दोस्तों, कि जंक फाइल जैसे कि आपको कोई भी पीसी की जो सी आपके सॉरी दोस्तों पीसी बोल दिया, तो सीपीयू की जो सी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो दोस्तों वो ये उड़ा देता है, जिससे आपका फ़ोन बहुत ही स्लो हो जाता है। जैसे कि हम फ़ोन की जैसे कि हमने कुछ भी कर दिया, जैसे कि आपको प्रोसेसर को जैसे कि आपको प्रोसेसर के एंड्रॉयड जैसे कि मैं गलत चला गया दोस्तों, देखिए एक्सप्लोरर में चले गए एंड्रॉयड में दोस्तों, ये सारी इसकी फाइल्स हैं। तो ये उसको जो एंड्रॉयड में जाके ये सारी उसकी सीपीयू की फाइल्स हैं दोस्तों। ये अगर आपकी इसकी इसी कोड आ देगा तो आपको क्या नुकसान नहीं होगा दोस्तों, प्लीज़ इसको इन सभी ऐप्स को इंस्टॉल ना करें। हाँ, अगर दोस्तों आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। तो आप इसको एक एप्लीकेशन है एपस लॉन्चर दोस्तों, एपस लॉन्चर मैंने भी मेरे मेरा 512 MB रैम था दोस्तों, मैंने इसको यूज़ किया काफ़ी दोस्तों, 1 GB से ज़्यादा तेज चल रहा था मेरा दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि आपका फ़ोन तेज़ चल सके, पर उसको दोस्तों आप उसको इंस्टॉल मत कीजिए जो क्लीन मास्टर वगैरह वगैरह एप्लीकेशन को, ताकि आपका फ़ोन ख़राब ना हो, आप उसका फ़ोन की बैंड ना बजा सकें। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको महीने में एक बार ही आपको वो इंस्टॉल करना चाहिए क्लीन मास्टर, और आपको उसको जंक फाइल क्लीन करके उसको उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ना वो आपकी बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो कहता है कि आपके जंक फाइल क्लीन कर रहा है और बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसके कारण आपकी बैटरी काफ़ी फूक जाती है दोस्तों। दूसरी टिप है जैसे कि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं दोस्तों, व्हाट्सएप चला लिया हमने, ठीक है, व्हाट्सएप को 2 मिनट देख धूख लिया, देखिए हमने देख लिया व्हाट्सएप को, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जैसे कि ये देखिए, हम इसको ये कर देंगे, क्लीन कर देंगे इसको, ठीक है, क्लीन कर दिया हमने। तो हम क्लीन करके कहेंगे कि मेरा फ़ोन बहुत फास्ट है दोस्तों, कि दोस्तों ये हमारा फास्ट नहीं है, तो दोस्तों हमने इसको क्लीन नहीं करना दोस्तों, हमने इसको ओपन करना है, बस इसको ओपन करके रख देना सर, इसको ओपन करके रख देना, जैसे कि इसको बंद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये जैसे कि आपको कोई भी, अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये देखिए हमने बंद कर दिया इसको, ये देखिए हमने ये हम चलाया, देखिए अब तेज़ चला है कि दोस्तों, अब तेज़ चला, अब आपको लगा होगा कि अब तेज़ चला, ठीक है। तो हमने इसको क्लीन नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये सीपीयू को उतना ही लोड लगेगा, उतना ही आपका फ़ोन गर्म होगा, इसीलिए दोस्तों आपका फ़ोन गर्म भी होता है। तो हम दोस्तों हम चलते हैं तीसरी टिप पे। तो तीसरी टिप है बैटरी की लाइफ की तरफ। बैटरी तो हम सबकी चेती बैटरी है दोस्तों, क्योंकि बैटरी तो हम फ़ोन को जो चलाते रहते हैं कि बैटरी की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि 4000 mAh है, तो हमने को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बैटरी, अपने बैटरी का सख्त ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बैटरी ही ऐसी जिसका जो आपके फ़ोन में सबसे पहले ख़राब होती है। ये आपको बैटरी को 20% से नीचे और 90% से ऊपर लेके नहीं जाना दोस्तों, क्योंकि आपको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तो आप 30 बैटरी को 30 और 85 से के बीच बीच में रखें, ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा लीस्ट लॉन्गर चल सके। और अगर आपको बैटरी का चार्ज करने का जितने शौक है, तो दोस्तों आपको आप इस मेरी ट्रिक को यूज़ कीजिए, ताकि आपकी बैटरी देख लेना चाहिए आप दोस्तों कि आपकी बैटरी कितनी चलती है। तो दोस्तों एक और चीज़ है इस बैटरी में ही है दोस्तों, आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मंथ में आप एक दो बारी एक वन वन मंथ में वन टाइम ओनली आप इसको जीरो पूरा जीरो तक डिस्चार्ज कीजिए, फिर 100% तक चार्ज कर दीजिए, ताकि आपकी बैटरी के जो से डेड सेल हैं वो भर जाएं, ताकि आपके फ़ोन में दिक्कत ना आए। दोस्तों हम अपने फ़ोन में फालतू के एप्लीकेशन बहुत डाल लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी डाला हुआ रिवॉर्ड ऐप, जिससे हमें कुछ पैसे पूसे मिलते नहीं हैं, और फ्लाई शो वगैरह वगैरह कितनी एप्लीकेशन डाली हुई, हम इसको अनइंस्टॉल नहीं करते, हमें इसको इंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि हम इसको जैसे कि हमारे बैकग्राउंड में ना चले और हमारे जिनसे हमारी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा ना ले।
जैसे कि दोस्तों हम कोई भी हम फाइव एंड आखिरी टिप पे जा रहे हैं। ये देखिए हम प्ले स्टोर पे चले गए। प्ले स्टोर पे हमने कोई भी हम ये एम एक्स प्लेयर सबसे पहले आ रहा है, एम एक्स प्लेयर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके पास अगर लॉलीपॉप वगैरह वर्जन होगा तो आपको यहाँ पे मेन्यू आता होगा, वहाँ पे परमिशन बताता है कि आपके कौन सी परमिशन लेगा। दोस्तों आप चाहेंगे कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हैं तो आपके फ्रिज में ढक के आपका टीवी देखे, तो नहीं चाहेंगे ना दोस्तों, क्योंकि ये आप सबके फ़ोन की बैंड में जाता है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप परमिशन देखिए, उसके परमिशन उसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए तो उसको प्रेफर मत कीजिए और दूसरे एप्लीकेशन की ओर चले जाइए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।